चैनल एंड फाइन आई एम शीजा। आई होप दैट यू आर डूइंग ग्रेट एंड वेल। सो आज तो मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ ब्यूटीफुल सा राखी मेकअप लुक। सो गाइज ये वाला मेकअप लुक मैंने विदाउट फाउंडेशन किया है, मैंने कोई फाउंडेशन नहीं यूज़ किया। आप देख लो कितना ज़्यादा प्रीटी लग रहा है ये, और आई मेकअप भी मैंने बहुत नॉर्मल रखा है फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसका क्या रीज़न है ये जानने के लिए ना आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना और कमेंट भी जरूर करना। और यार सबसे मेन पॉइंट सब्सक्राइब जरूर करके जाना। चलो झटपट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो गाइस मेकअप को करते हैं स्टार्ट। तो मैं यूज कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का प्राइमर, जो क्योंकि इससे ना कौन से तक ग्लोई बेस हो जाता है। तो मैंने ना यहाँ पे दो पंप लिए क्योंकि मेरे को ना थोड़ा ज्यादा ग्लोई बेस चाहिए, तो फेस पे ना अप्लाई कर लेते हैं इससे। आप इससे ना सैन हो जाओगे। जिन लोगों के पास ये नहीं है तो ये सब परचेज कर लो, क्योंकि फेस्टिव सीजन भी आने वाला है। इसे नहीं यूज करूंगी मैं, यूज करूंगी ये मेबेलिन का फिट मी चेंज, क्योंकि मैंने अभी तक यूज नहीं किया है। मेरा फर्स्ट टाइम होगा इसको यूज करना, और ऐसा लगता ही नहीं कि आपने अपने फेस के ऊपर से लगाया, बहुत नेचुरल लगता है। राखी के लिए ना बेस्ट है ये, ना बहुत ज्यादा लाइट वेट है, बहुत ज्यादा फाउंडेशन की तरह तो इन बिल्कुल नहीं लग रहा, बहुत ज्यादा लाइट वेट है ये। और इसको ना फेस अप्लाई करते हैं पहले, उसके बाद इसको ब्लेंड करेंगे, और मैंने इसको अपने हाथों से ही ब्लेंड करूंगी। अब मैं यूज करूंगी ब्यूटी ब्लेंडर, क्योंकि मेरे से ना हाथों से अच्छे से ब्लेंड ही हो रहा, तो बहुत स्निगल से कपड़े सेफ आ रहा है कि आपके डार्क स्पॉट्स आपके डार्क सर्कल इससे हाइड हो जाएंगे। ये चीज़ इससे नहीं होगी, पर बहुत ज़्यादा ना नेचुरल पिंकिंग किया है, बहुत नेचुरल लग रहा है। बिल्कुल ये लग रहा है कि मैंने ना कुछ अपने फेस पर अप्लाई किया है। देखो थोड़ा बहुत तो लगेगा बट बहुत नेचुरल है, फाउंडेशन की तरह नहीं लग रहा बिल्कुल भी। सही कि सबसे उसने बहुत ज़्यादा नेचुरल फिनिश दिया है मेरे फेस को, और इन्हें ये बहुत अच्छा भी लग रहा है। लग नहीं रहा कि मैंने कोई फाउंडेशन अप्लाई किया है, बट यार इसने मेरे डार्क सर्कल्स और मेरे सर्कल्स को हाइड नहीं किया, तो मेरे को थोड़ा ज़्यादा कंसीलर लगाना पड़ेगा कि मैं चाहती हूँ थोड़ा हाइड रहे। क्योंकि तो मैंने यूज कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर, जो थोड़ा सा कंसीलर लगाऊंगी और यार बिना ब्लर के मेरे से कुछ काम नहीं होता। तो फिर इसको सेट करने के लिए मैं यूज करूँगी फिट मी का एक कॉम्पैक्ट पाउडर, जो कि ना मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। उसका रीज़न ये है कि ना ये ना बहुत ज़्यादा अच्छी कवरेज देता है आपको। तो मैंने ड्राइज को मैं इस तरीके से ना सेट करती हूँ ताकि ना ये बिल्कुल भी फ्रीज ना करे, क्योंकि सबसे पहले क्लियर यहीं पर आती है। मैं सारा का सारा बेस अपना इससे ही सेट कर लूँगी, क्योंकि इससे ना कवरेज बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। मैंने यूज़ करूँगी ये स्टे क्वर्की का प्लस इन द शेड 4 and शेड 5, जिसका ना ऊपर का मेरे स्टील गया था यार, सारी चीज़ें मुझसे ही खराब होता है, मुझे ना मिलते मेरे कुछ काम नहीं होता यार। चलो अप्लाई कर लेते हैं, थोड़ा सा अब जैसे अप्लाई कर लेना है। और ना इस तरीके का कश लगाती हूँ नोज पे भी, क्योंकि मेरे को ना अच्छा लगता है। मैंने ये पीस के लेना था, मैंने इसे यूज करूँगी क्योंकि ना इस पे ज़्यादा ये अच्छी लगती है, तो मैं इस तरीके से अपने फेस को सेट कर ले। सो अब हम करने वाले हैं अपना आई मेकअप, और मैं करूँगी बैटरी वाइज की आई शैडो पैलेट। हम ना कोई भी हैवी आई मेकअप नहीं करने वाले, क्योंकि ये जो मेकअप होने वाला है ना बेसिकली राखी के लिए, और राखी के लिए हम तो हैवी मेकअप करेंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा यार। ये ब्राउन शो बना था, ये वाला मैं यूज़ करूँगी अपनी पूरी आईज पर, और हल्का सा मैं यूज़ करूँगी ये वाला ब्राउन शेड एज अ ट्रांजिशन शेड। तो चलो करते हैं अपना आई मेकअप। अपना यूज करूँगी ये वाला शुमरी शेड, इसको ना अपने आई लिड पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी मैं अपने फिंगर्स की हेल्प से। आपको कोई ब्रश की जरूरत नहीं, क्योंकि फिंगर से ना अच्छे से अप्लाई होता है इन कंपेरिजन टू ब्रश। मतलब मैं शिमरी शेड की बात कर रही हूँ गाइस, कि शिमरी शेड जो होता है ना वो फिंगर से ज़्यादा अच्छे से अप्लाई होता है इन कंपेरिजन टू ब्रश। आप इस शेड को ना अपने आउटर वी पे अच्छे से आपको प्लान कर लेना है। हमें बहुत ज़्यादा डार्क नहीं चाहिए, हमें थोड़ा लाइट ही चाहिए, क्योंकि सारा मेकअप देखा कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हैवी या कुछ बहुत ज़्यादा डार्क अच्छा नहीं लगेगा। उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे हल्का हल्का करके, बहुत ज़्यादा नेचुरल लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप। क्या हमारा बेस मेकअप तो है ही नेचुरल, साथ साथ हमारा जो आई मेकअप है वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल है और बहुत ज़्यादा फिटी लग रहा है। आउटर वी पे जो शेड हमने लगाया था वही सेम शेड हमको नीचे की तरफ भी ना स्मज आउट करना है, ताकि ना हमारा जो आई मेकअप है वो और भी ज़्यादा अच्छा लगे। डार्क नहीं करना, अगर डार्क करोगे ना तो बहुत ज़्यादा लगेगा, लाइट ही रखता है। ये हो गया है गाइस हमारा आई मेकअप डन। अब हम अप्लाई करेंगे एसिस कैनेडा का ये आई ग्लाइडर, और ये ना मेरे से टूट गया था यार, मेरे आधे से ज़्यादा प्रोडक्ट फूटे हुए हैं बिफोर मेरे से गिर के टूट जाते हैं, और पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है यार। तो मैं ना अप्लाई करूँगी विंट आई लाइनर, क्योंकि मेरी आई अच्छी से ही ज़्यादा अच्छी लगती है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चाहते हो अप्लाई कर सकते हो, आपको विंग नहीं पसंद तो आप विंग मत बनाओ, आप नॉर्मल बेसिक लाइनर लगा सकते हो। तो मैं विंग आई लाइनर लगाऊंगी यहाँ पे, तो मैंने ना अपना लाइनर लगा लिया, और मैंने थोड़ा बोल्ड और विंग लगाया है, काफ़ी अच्छा कर रहा, क्योंकि ना मेरी आईज थोड़ी सी अच्छी लगती है। और यार मैं ना अप्लाई करूँगी फॉर्म पीस, तो बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहो तो कर सकते हो, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो। मैंने ना फॉर्म पीस अप्लाई कर लिया, और आप देख सकते हो मेरा आई मेकअप कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए मैं यूज करूंगी पर्पल का ये हाईलाइटर, और फैन ब्रश की हेल्प से हम हाईलाइट अप्लाई कर लेंगे अपने हाई पॉइंट्स पे, जैसे कि अपने इनर कॉर्नर्स को भी हाईलाइट करेंगे इसी हाईलाइटर से।
सो गाइस अगर आप किसी प्रोडक्ट की डिटेल जानना चाहते हो ना, तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो। मैं सारे की सारे प्रोडक्ट्स की परचेज लिंक वहाँ पे पिन कर दूंगी। तो आप अपनी प्राउस को फिल करने के लिए मैं यूज करूंगी रॉन दिले कॉस्मेटिक का 4 शेड पैलेट। और ये ना गाइस बिल्कुल न्यू है, मैंने इसको अभी तक यूज नहीं किया और ना ये वैसे ओपन ही होता, इसलिए सिर्फ मैंने इसको यूज नहीं किया क्योंकि अब मैं इसको ओपन करूंगी होगा नहीं, और फिर मैं बैटन वाइल्ड का अपना पहले वाला यूज कर लेती हूँ। देखो लेकिन आज ना मैं इसको ओपन करती रहूंगी और इसी से ही ना अपना आईब्रो फिन करूंगी। और देखो ये ओपन नहीं हो रहा, मेरे नेल्स भी नहीं है कि मैं इसको ओपन कर लूँगी, फिन फिर मेरे से ओपन ही नहीं होता। आई फाइनली ओपन हो गया उसे और गेस व्हाट, ये ना टूटा हुआ है सारा का सारा, ये ना टूटा हुआ पिलाया मुझे बहुत भी पता है। मैं कम तोड़ने के लिए जो मेरे को ऑलरेडी सूता मिल गया पहले से ही, अब इसको सेट कर देते हैं। अभी उल्टा सीधा तैरता मैं इसको आपको इस तरीके से भी दिखा देती हूँ कि ये पूछ जाएगा। तो ये वाला अभी मैंने एक ग्रे वाला शेड यूज कर रही हूँ, अपनी ग्रे वाला शेड है ना ये परफेक्ट है अपनी ग्रा ना। ये दोनों लिपस्टिक अप्लाई करने वाली हूँ, मिक्स मैच करके मैं शेड बनाऊंगी अपना परफेक्ट सा। ये लाइट, ये वाली लिपस्टिक डार्क है और ये वाली जो लिपस्टिक है ना वो लाइट है, और दोनों जब साथ में मिलती है ना बहुत ज्यादा प्रिटी लगती है। और अब आप लोग बताओ है ना लिपस्टिक गेम चेंजर, देखो यार पूरा का पूरा लुक चेंज हो गया और कितना ज्यादा प्रिटी लग रहा है। हमारा फेस्टिव मेकअप बिना बिंदी के कैसे पूरा हो सकता है यार। तो अभी इसमें कमिंग है ब्लैक बिंदी की। गाइस दिस इज द फाइनल लुक। आप लोग मेरे को बताना कि आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा और मैं कैसी लग रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है ना तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, इट मींस अ लॉट।